मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोग की हिंदी टीचर और आज हम आप लोग को क्लास 10 का स्पर्श पढ़ाएंगे। चैप्टर सेवन है तो इसे वीरेन डंगवाल ने लिखा हुआ है। तो चैप्टर के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। आइए हम लोग व्हाइट बोर्ड की ओर देखें। कविता लिखा हुआ है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की। तो कंपनी बाग कलकत्ता में है और उसके मुहाने पर यानी मुंह के सामने या दरवाजे पर ही ये तोप रखा गया है जो 1857 की है। इसकी होती है बड़ी संभाल, कब, साल में दो बार, एक बड़े 15 अगस्त के दिन और एक 26 जनवरी के दिन। फिर सालों भर वो तोप ऐसा ही पड़ा हुआ रहता, कोई पूछता भी नहीं इसको। तो कवि कविता में कवि कहना चाहते हैं कि इसकी होती है बड़ी संभाल क्योंकि ये विरासत में मिले हैं हमें, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा, पूर्वजों के जो उनके द्वारा किया हुआ कार्य है या जो कृत किया गया है उसके द्वारा ये विरासत में हमें मिला है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है यह तोप, जिस तरह कंपनी बाग को साल में दो बार चमकाया जाता है यानी साफ सुथरा किया जाता है, संवारा जाता है, उसी तरह इस तोप को भी किया जाता है। और ये बताया जाता है, तोप बताती है अपने बारे में कि मैं बड़ी जबर यानी मजबूत, कि मैं बड़ी जबर थी यानी अपने समय में, उसका जब जमाना था, जब तोप का समय था, तो उस समय में ये तोप बहुत मजबूत थी और उसने उड़ा दिए थे मैंने अच्छी अच्छी सुरमाओं के छज्जे। यानी कहना चाहे तो बता रहा है कि एक समय था मेरा, जब समय था तो मैं बहुत जबर थी यानी बहुत मजबूत थी और मैंने अच्छे अच्छे यानी बड़े से बड़े सुरमाओं के छज्जे यानी मकाने या उनकी महल या किलाओं को मैंने उड़ा दिया था। लेकिन अब उनका समय जब चला गया है तो अब वह बरहाड़ छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो। कहने का अर्थ है कि कंपनी बाग के बाहर में जो तोप रखा हुआ है अब उस तोप का कोई प्रयोग नहीं है। एक समय था जब उसका प्रयोग होता था अपने दुश्मनों के लिए, लेकिन अब कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे उस पर बैठते हैं और घोड़े की तरह उसकी सवारी करते हैं। और अगर इन सब बच्चों से उसे फारिग यानी फुर्सत मिलती है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कहने का अर्थ है कि अब इस तोप को कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि अब इसका समय चला गया है। तो छोटे बच्चे या तो उसे अपना खिलौना बनाकर खेलते हैं या फिर खाली समय में चिड़िया बैठकर उस पर गपशप करती है। और कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है। तोप, एक समय था कि तोप को देखकर लोग डरते थे, उसे छूने से भी डरते थे, लेकिन आज उसका समय नहीं, उसका समय चला गया है तो अब इस तोप से कोई डरता नहीं है। लोग उसके ऊपर चढ़कर खेलते हैं, बैठ जाते हैं और छोटी छोटी जो गौरैया होती, चिड़िया होती है, उस तोप के भीतर भी घुस जाती है, जैसे खास करके गौरैया चिड़िया। वे बताती है चिड़िया उसके अंदर यानी तोप के अंदर घुस कर ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप कितना भी बड़ा और मजबूत क्यों ना हो, एक दिन तो होना ही था उसका मुंह बंद। यानी वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं था लेकिन एक समय आया जब वो तोप का मुंह बंद हो गया, आप वो बच्चों के खिलौने के समान रह गया है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन उसका अंत इसी तरह निश्चित है। इस कविता को पढ़िए, इसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिया उसे आप स्वयं बनाने का प्रयास करिए। थैंक यू।